वेलकम टू सुप्रियाज नेचुरोपैथी सेंटर विजिट। मैं हूँ जिंदाल, नेचर क्योर सेंटर बेंगलोर। इस व्लॉग में मैं आपको डाइट सेंटर के बारे में बताने वाली हूँ, जिंदाल में किस तरह का फूड दिया जाता है लंच और डिनर में, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो जिस कैटेगरी के रूम में रुका है उसके लिए वो अलग डाइट सेंटर है। जैसे मैं इकोनॉमी रूम्स में रुकी हूँ तो मेरे लिए ये वाला डाइट सेंटर है जहाँ मुझे जाके लंच और डिनर करना है। डिलक्स रूम वालों का अलग डाइट सेंटर है, एग्जीक्यूटिव रूम वालों का, हट्स नेस्ट वालों का अलग डाइट सेंटर है। जिसके जैसे रूम के चार्ज है उस तरह से उनको वैसी फैसिलिटी दी जाती है। तो मैं जिस रूम में रुकी हूँ वो हिसाब से ये वाला डाइट सेंटर में मुझे जाके खाना खाना है। तो अभी हम देखते हैं। खाना सबके लिए सेम होता है, बस एम्बियंस का डिफरेंस है। अब हम देखेंगे इनसाइड एरिया ऑफ डाइट सेंटर। मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है इनसाइड एरिया ऑफ डाइनिंग हॉल, और कोई भी एक्टिविटी एरिया में फ़ोन अलाउड नहीं है। आई रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ जिंदाल। मैंने रिसेप्शन में जाके परमिशन ली है कि मुझे थोड़ा सा डाइट के बारे में बताने के लिए परमिशन दीजिए, क्योंकि बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि जिंदाल में एकदम लिमिटेड फूड दिया जाता है तो उससे पेट नहीं भरता है, पर ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ का डाइट जो दिया जाता है वो एकदम बैलेंस्ड डाइट है, तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। डॉक्टर हमें हमारे प्रॉब्लम्स और हमारे हेल्थ इश्यूज़ के हिसाब से हमें डाइट लिख के देते हैं, और हमारे लिए कितनी कैलोरीज ज़रूरी है, हमारा BMI रेट, हमारे पूरे हेल्थ कंडीशंस और सिचुएशंस देख के हमें डाइट प्रिस्क्राइब किया जाता है, और वही क्वांटिटी में और वही काउंट करके हमें डाइट दिया जाता है। पर हम भूखे नहीं रहते हैं, क्योंकि जो भी खाना देते हैं उतने में आराम से एक नॉर्मल इंसान का पेट भर जाता है। उसके अलावा सूप रहता है एक्स्ट्रा में, आप सूप ले सकते हैं। तो मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस यही रहा है कि आराम से आपका पेट भरता है, इतना खाना आपको दिया जाता है। हर एक पर्सन का अलग डाइट होता है, जैसे रॉ डाइट है, बॉयल डाइट है, रोटी सब्जी है, दलिया खिचड़ी है, जिसको जो, किसी को सिर्फ फ्रूट्स है, किसी को सूप है। तो जिसको जो डाइट डॉक्टर ने लिखा है वो आपको दिया जाएगा। साथ में ये चटनियाँ और सूप कॉमन है, वो सबके लिए है। फर्स्ट डे ऑफ एडमिशन मुझे स्पेशल फूड मिला था जिसमें रोटी सब्जी दाल है। ये वेट लॉस पेशेंट्स को नहीं देते हैं जनरली, पर फर्स्ट डे लास्ट डे देते हैं। और ये चिया सीड्स का पुडिंग है, स्वीट है। उसके बाद स्पेशल ऑफ द डे में जनरली अलग अलग वैरायटी बनती है, जैसे ये मूंग दाल का चिला है। उसके बाद है इडली सांभर चटनी, और नेक्स्ट है वड़ा पाव, पाव भाजी भी बनती है, अलग अलग वैरायटी बनती है। ये लास्ट डे मुझे मिला था सत्तू का लड्डू। रोज़ 2 डिफरेंट वैरायटी की चटनियाँ रहेगी, ओनियन रहेगा, नींबू रहेगा, और 2 अचार रहेंगे, कच्ची हल्दी का अचार, आंवले का अचार, कैरी का अचार, कौन सा भी नींबू का अचार, और साथ में हरी मिर्च और गार्लिक लहसुन, ये रोज़ रहेंगे आपको। ये है सोया लड्डू, ये भी आपको स्पेशल थाली में मिलेगा। इस फूड की रेसिपी आपको रिसेप्शन काउंटर पे मिल जाएगी। अगर किसी को रेसिपी जानना है तो प्रिंट आउट ले सकते हैं रिसेप्शन से, 30 रुपीज़ में पूरे प्रिंट आउट्स मिल जाएंगे। लंच और डिनर के बाद टूथपिक और सौफ यानी मुखवास भी रखा जाता है, और इसके अलावा पान भी रखा जाता है लंच टाइम में, और लास्ट में बटर मिल्क भी रखा हुआ होता है, वो भी कॉमन है, वो भी सबके लिए है। तो आप ये सोया मिल्क का बटर मिल्क भी ले सकते हैं। सो ये है परफेक्ट सेंटर का परफेक्ट डाइट। एंटर करते ही एवरीडे मेनू लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब हम देखेंगे डाइनिंग सेंटर के अरेंजमेंट्स और फूड का टेस्ट कैसा है। सो दिस इज़ द डाइनिंग सेंटर फॉर इकोनॉमी रूम साधक्स। इस तरह से अरेंजमेंट किए होते हैं। ये है फ्रूट्स,
उसके बाद सैलेड, ये है रॉ सैलेड, जिन लोगों का रॉ डाइट है उनको ये दिया जाता है। 2 वैरायटी ऑफ सैलेड, जिन लोगों का बॉइल्ड डाइट है उनके लिए बॉइल्ड वेजिटेबल, बॉइल्ड स्प्राउट्स, और जो लोग बिना प्याज और लहसुन का खाते हैं उनके लिए जैन सब्जी का भी अरेंजमेंट है, और सूप भी मिलेगा आपको बिना प्याज लहसुन का अलग रखा हुआ। ये 2 टाइप ऑफ चटनीज रहती है डेली, और साथ में ओनियन, लेमन, 2 अचार रहते हैं। ये कॉमन डाइट है, ये सबको मिलेगा। सूप्स भी 2 वैरायटी रहती है, उसमें से कोई भी एक सूप लेना है। ये भी कॉमन डाइट है, किसका किसी का रॉ डाइट है, बॉइल्ड है, किसी का रोटी सब्जी है, तो उन सबको ये मिलेगा। ये कॉमन डाइट में आता है, सूप, चटनियाँ, सैलेड। उसके बाद ये भी बॉइल्ड वाला ही है, ये डॉक्टर लिखते हैं, उन लोगों को समझ में आता है किसको क्या देना है। कार्ड पे जो लिखा, ये सब्जियाँ है, करीज है, जिनको मल्टीग्रेन रोटी सब्जियाँ लिखी है उनको ये डाइट दिया जाएगा। उसके बाद ये खिचड़ी, थुल्ली, कर्ड, ये भी है ऑप्शन। उसके बाद ये चटनी, ये चटनी और सैलेड्स फर्स्ट में भी रखा हुआ रहता है और लास्ट में भी रखा हुआ रहता है, 2 जगह पे रखा हुआ रहता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग ये है, कभी नींबू का अचार रहता है, कभी कैरी का रहता है, और ये कच्ची हल्दी है, कच्ची हल्दी का अचार या आंवले का अचार रहेगा, और साथ में हरी मिर्च और लहसुन। हेलो ऑल, सो आई एम हैविंग माय लंच, इट्स रॉ डाइट सैलेड। देयर आर 2 टाइप ऑफ सैलेड, स्प्राउट्स में आज मेथी दाना है, चटनी, सैलेड में पनीर, येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, टमाटो, कैरेट एंड ग्रीन कैप्सिकम। पनीर का फ्लेवर बहुत अच्छा है, ये लोग खुद वेजिटेबल्स फ्रूट्स ग्रो करते हैं फार्म में, तो सबका टेस्ट बहुत फ्रेश होता है। हेलो ऑल, टुडे इज अ स्पेशल डाइट, आज है कोई चिना, और ये थोड़ा सा कड़क लग रहा है और बराबर पका हुआ नहीं है, अभी मैं टेस्ट करने वाली हूँ। ओके है, इससे अच्छा तो रॉ डाइट है या बॉइल्ड वेजिटेबल फ्रूट्स है। स्पेशल डाइट में मुझे कुछ भी मतलब ओके लग रहा है, ठंडे है और बिल्कुल टेस्ट नहीं है। अब खाना तो पड़ेगा, पेट तो भरना पड़ेगा। स्पेशल डाइट, आई वॉज वेरी एक्साइटेड स्पेशल में क्या मिलेगा। ओके है, जिंदाल में आना है तो बेस्ट डाइट है रॉ डाइट, बॉइल्ड डाइट और उसके साथ फ्रूट्स, ये बेस्ट डाइट है। ओके बाय। चलो ना, मुझे भी बस चखना है, मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती। हेलो ऑल, सो दिस इज टुडेज लंच। अभी सबसे पहले मैं ये सोया वाला लड्डू टेस्ट करने वाली हूँ, ये स्पेशल जिस दिन लास्ट डे होता है, फर्स्ट डे होता है उस दिन डेजर्ट मिलता है, तो दिस इज सोया लड्डू, यू कैन सी कैसा है, खाओ। मीठा कम है पर अच्छा है, मतलब बस मुझे टेस्ट करना है, तो अभी मैं टेस्ट करने वाली हूँ। तिल है, सूखा खोपरा है, सोया कैसा रहता पता नहीं, मैं कभी बनाई नहीं सोया, मैं भी कभी नहीं। मीठा नहीं है ज़्यादा, पर मिठास में गुड़ डाला है क्या, एकदम हेल्दी लड्डू है,
इसकी रेसिपी पूछना पड़ेगा। स्वादिष्ट है, हेल्दी लड्डू है, सॉफ्ट भी है। लड्डू बहुत टेस्टी है गाइस। ये मार्केट में सोया मिलता है क्या? क्या है पता नहीं, सोया में सॉल्ट। और ड्राई फ्रूट्स भी दिख रहे हैं, बादाम स्लाइस है ना। सो नाइस लड्डू। पता नहीं इसको बांधा कैसे होगा, मतलब धीरे से। शायद वो गरम गरम में ही बांध लिया होगा, ठंडा होने के बाद नहीं बांध दिया इसका। पर अपन तो जैसे लड्डू में घी वगैरह डालते हैं, थोड़ा एक चम्मच तो डालते ही है। जबरदस्त लड्डू। हेलो ऑल, मैं हूँ डाइट सेंटर में। इट्स लंच टाइम और आज मेरा स्पेशल है डेजर्ट। तो मैं डेजर्ट टेस्ट करने वाली हूँ। दिस इज द स्पेशल ऑफ द डे। कम मीठा है बट अच्छा है, सॉफ्ट है। पता नहीं किस चीज़ का बनाया है बट ओके ओके है। पर सेंटर्स में ऐसा कुछ मिल जाता है तो अच्छा ही लगता है। ये चीज़ अगर बाहर खाओगे तो ओके ओके लगेगी, पर सेंटर में इट इज़ गुड। हेल्दी डेजर्ट। ओके नाउ सूप लास्ट में पीना है। सूप में थोड़ी सी हरी मिर्च, ग्रीन चिली, बहुत टेस्टी है। आंवले बहुत टेस्टी है। आंवले का अचार, एंड दिस इज समथिंग न्यू। आज एक नया अचार बना है आम का। इट्स लाइक लुंजी, लुंजी के जैसा कुछ है। बड़े बड़े आम के स्लाइस है। कैरी का अचार बनाया है आज। ओके ओके है अचार। आंवले का अचार टेस्टी है। कैरी का अचार ओके ओके लग रहा है मुझे। खट्टा मीठा यम्मी। नाउ दिस रायता, कुकम्बर रायता। एक कर्ड का टेस्ट अलग ही है। आई थिंक इट्स सोया मिल्क एंड काउ मिल्क मिक्स है तो थोड़ा टेस्ट अलग आता है। ओके ओके लग रहा है रायता। सब्जी टेस्ट करूँगी कोफ्ते की। स्वीट है, थोड़ा सा सॉल्ट है। ओके, यहाँ पे सॉल्ट ऐड करते हैं थोड़ा सा। बोथ द करीज आर नाइस। रोटी अच्छी नहीं है, यहाँ पे रोटी बहुत कड़क रहती है। हेलो, सो कोफ्ते की सब्जी विद ऑनियन अच्छी लग रही है, पर रोटियाँ यहाँ की अच्छी नहीं होती है। सी एकदम कड़क है। मुझे तो सब भा जाता है बट आप लोगों को मैं भी नहीं भाएगा। मुझे नेचुरोपैथी सेंटर जा जा के आदत हो गई है,
ऐसे खाने की, बट सच में बाकी चीज़ें टेस्टी हैं। अच्छी बनी है सब्जी, यहाँ पे रिपीट नहीं देते हैं, एक बार जो थाली में दे दिया दे दिया, तो इससे रिपीट कुछ नहीं मिलता है। पर बस हो जाता है इतना खाना, फिर से लेने का मन भी नहीं करता है। ओके सो बाय बाय, आई एंजॉय माय लंच। हेल्दी फूड वो भी इतने टेस्टी फॉर्म में खाने मिल रहा है। ये ग्रीन लीफी सैलड, ये ओके ओके लग रहा है। ओके एंड स्प्राउट्स, स्प्राउटेड नट्स, साथ में कोकोनट चटनी, कोकोनट चटनी इज वेरी नाइस। टमाटो चटनी आल्सो नाइस। सैलेड इज नॉट गुड। ओके ओके नाइस, सूप टेस्टी। ओके बाय। सो दिस इज द मशरूम सूप, आज मशरूम सूप बना है, अभी मैं खाने वाली हूँ ये मशरूम सूप। यह है मेरे रूममेट स्नेहलता जी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा दिल्ली, हम दोनों रोज़ साथ में खाना खाते थे। सो दिस इज टुडेज थाली फुल विद सैलेड, इट्स वेरी नाइस वेरी टेस्टी, टू चटनीज, टू फ्रूट्स एंड दिस इज द सूप, मेंचो सूप। सो दिस इज टूडेज मेन्यू, अभी सैलेड में देर आर टू वराइटीज, दिस इज स्प्राउट, टोमेटो चटनी, ये दो अचार है, कैरी का अचार है, आंवले का अचार है, हरी मिर्ची, लहसुन, ओनियंस, वाटरमेलन एंड कर्ड। अभी सूप बाकी है, सूप मैं लास्ट में लूँगी। सो दिस इज टूडेज मेन्यू, सो आई एम हैविंग माई डिनर टूडे, soup in the last, first I'll have papaya, yeah, okay, banana बहुत tasty, आपको चखना है, बहुत अच्छी है, मैं तो सब fruit खाती हूँ, नहीं, सो आज है इमली की चटनी, तो अभी मैं टेस्ट करने वाली हूँ। मीठी है, खट्टी मीठी, और आज है ये हरी चटनी, कौन सी, काकड़ी की है, पुदीना काकड़ी समथिंग। रोज दो चटनियाँ रहती है, ये बॉइल्ड स्प्राउट्स एंड बॉइल्ड वेजिटेबल्स,
अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है यहाँ का। यहाँ पे बेटर लीफ मीन्स पान भी रहता है, मुझे आज पता चला, एकदम लास्ट में रखा हुआ है डाइनिंग हॉल के लास्ट वाले डोर के पास, तो इतने दिन मैंने देखा ही नहीं। लंच हो गया है, अभी मैं पान खाने वाली हूँ। दिस इज द पान ऑफ जिंदाल। इट्स नाइस, इट्स 9th डे। इतने दिन मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे पान भी देते हैं, एकदम लास्ट में रखा हुआ है, मैंने कभी देखा ही नहीं था, आज मेरी नज़र पड़ी है इस पर। ओह इट्स नाइस, वाओ। इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है जिंदाल सेंटर का लंच और डिनर। यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं होता है, मॉर्निंग में जूसेस रहते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ दिन भर में जिंदाल में जूसेस दिए जाते हैं अलग अलग टाइम पे, उसके बारे में। तो ये है जिंदाल नेचुरोपैथी सेंटर का फूड सिस्टम जो मुझे बहुत पसंद आया है। आप लोग भी अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं क्वालिटी फूड किसे कहते हैं और क्वालिटी टेस्ट किसे कहते हैं, तो विज़िट कीजिए जिंदाल नेचर क्योर सेंटर, जिंदाल नेचर क्योर इंस्टीट्यूट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।